रामगढ़ताल थाने की पुलिस ने दो शातिर लुटेरों को एक सोने की चेन तथा 7,000 रुपए के नगद के साथ गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में सीओ कैंट सुमित शुक्ला ने बताया कि रामगढ़ताल पुलिस की टीम ने चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर दो शातिर लुटेरों को महेवा बंधा कटनिया ढाला के पास से गिरफ्तार किया है, जिनके पास से एक सोने की चेन तथा 7,000 रुपए नगद बरामद हुआ है, जिनकी पहचान पवन चौहान पुत्र उमेश चौहान निवासी भड़सार टोला चिरैया डाड थाना गीड़ा तथा विजय निषाद पुत्र प्रभु निषाद निवासी ग्राम सिमरा नंबर 2 थाना उगलेरिया जनपद के रूप में हुई है। सीओ कैंट ने बताया कि दोनों अभियुक्तों के ऊपर मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में रामगढ़ताल थाना प्रभारी जगत नारायण सिंह, फलमंडी चौकी प्रभारी अक्षय कुमार मिश्रा, हेड कांस्टेबल लक्ष्मण सिंह, कांस्टेबल प्रवीण कुमार पांडे, कमलेश यादव शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ कैंट सुमित शुक्ला ने कहा, तुरंत निकलवाइए 10 कॉपी। दिनांक 28/2 को एक बिहार की निवासिनी है जो यहाँ अपने बच्चों को रह के पढ़ाती हैं, वो पार्क से यहाँ बाहर निकल रही थी। थाने से कुछ दूर पर दो बाइक सवारों ने उनकी एक चैन को स्नैच कर लिया था, जिसके संदर्भ में 28 तारीख को ही थाना रामगढ़ताल में 392 IPC का अभियोग पंजीकृत किया गया था। इस घटना का ही खुलासा किया गया, इसमें दो व्यक्ति सामने आए हैं, एक व्यक्ति सहजनवा का रहने वाला है और एक गुलड़िया का रहने वाला है। इन लोगों ने घटना को स्वीकार भी किया है, चैन को भी बरामद किया गया है। इन लोगों ने कुछ घटनाएँ पहले भी छोटी मोटी की थी, इसे मोबाइल स्नैचिंग वगैरह की थी, उससे एक मोबाइल भी इसे मिला है। उसको वादी को भी बुलाया जा रहा है, उसकी पहचान कराई जा रही है। वो इसके अतिरिक्त अन्य घटनाएं जो उन्होंने छोटी मोटी काफ़ी की हैं, उससे इनसे पूछताछ की जा रही है और इनके संबंधित थानों को भी बताया जा रहा है कि ताकि इनके अगर इनके द्वारा कोई और घटना की गई हो तो उसका भी खुलासा किया जा सके। ये दो व्यक्ति हैं, दोनों की उम्र 18-19 साल है। इसमें पवन चौहान नाम का लड़का है, ये कुशीनगर में प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है अभी 11वीं 12वीं में ऐसे ही, और विजय निषाद है, ये भी 19-20 साल का ही लड़का है, ये भी अभी कोई विशेष कार्य ऐसा नहीं करते हैं, दोनों लोग खाली हैं अभी, 19-20 साल ही उनकी उम्र है, कोई भी ऐसा कोई व्यवसाय नहीं करते हैं। इसमें जो नहीं, इसमें विजय निषाद नाम का व्यक्ति जो है, जो गुलरिया थाने का रहने वाला है, इसकी बाइक है, इसी की बाइक से घटना हुई थी, वो बाइक भी बरामद की गई। निश्चित रूप से सौपुरा 19-20 साल की घटना है, ऐसे रोड चलते कोई भी घटना कर लेते थे। अभी तक जो इनके प्रकाश में जेल नहीं गए, पूछताछ के लिए जो इन्होंने नहीं बताया कि थाना साहब पर एक दो बार पूछताछ के लिए बुलाया गया शक के आधार पर, लेकिन अभी तक ये जेल नहीं गए थे।